नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषोपज मंडी में, जहां हमारे साथ व्यापारी हैं अशोक सिंह गानिया जी। आज हम उनके पास पहुंचे हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज मंडी में कितनी जौ आई है और कितनी आवक हो रही है, क्या भाव जौ के मिल पा रहे हैं, और जो है यहाँ से कहाँ कहाँ क्यों कौन कौन सी मिलों में जा रही है। जी सर, आपका टाइम टीवी में स्वागत है। बताइए सर, किस तरह की जो आपके पास आ रही है? देखिए, हमारी मंडी में जो आजकल कम आ रहे हैं, अभी 500-600 बोरी की आमद है और ऊपर में 2500 बोरी तक आमद हो जाती है। जो के भाव 1850 रुपये के चल रहे हैं इस टाइम, और माल फैक्ट्री वाले अभी कम ले रहे हैं, शायद 1 अप्रैल से उनकी वो खरीदनी चालू हो जाएगी। जो के भाव वहाँ डिलीवरी के गुड़गावा नीमराणा और ये 2100 रुपये करीबन भाव खुलेंगे, और काशीपुर एक है हमारा उत्तरांचल में, काशीपुर के भाव करीब खुलेंगे 2200 रुपये। जो की पैदावार पिछले साल से कम है, और इस साल जो में कुछ 2 पैसे मिलने की मजदूरी मिल सकती है, अभी स्टॉक करने का भी टाइम है, स्टॉक ले भी रहे हैं हमारे यहाँ, अभी बाहर नहीं जा रहे हैं कहीं भी, अभी लोकल स्टॉक ले रहे हैं। लेकिन मिल वाले जो माल वाले हैं वो जल्दी ही बाजार में खरीदारी पे आ जाएंगे। तो अभी किस तरह की क्वालिटी जो की आ रही है? क्वालिटी हमारे यहाँ जो मार्केट में चलती है उस टाइप की क्वालिटी आ रही है, अब की हल्की क्वालिटी कम है, पिछले साल हल्की क्वालिटी। तो अभी अच्छी आवक है या इनकी अभी कोई? आवक अभी बढ़ेगी, अभी चालू हुई है। तो अभी कितने दिन पहले से शुरुआत हुई है? अभी 10-5 दिन से हुई है, लेकिन 500 बोरी आ रही थी, अभी 500-600 बोरी आ रही है, लेकिन 2000 बोरी अप्रैल में हो जाएगी। जी, हमारे साथ में व्यापारी अशोक सिंघानिया जी थे, उन्होंने बताया कि लगातार जो है अब सर जो जौ की जो आवक है लगातार होगी और भाव भी अच्छा मिलेगा, और जो यहाँ की जो है लगातार मीलों में आगे जाएगी और वहां से माल तैयार होगा। नितिन शर्मा, अलवर।